भगवान कहते हैं जब इस प्रकार से भक्ति भावना से प्रेम से मेरा भजन करोगे तो भजन करने में तकलीफें आएंगी। तो दो तकलीफें भगवान ने बताई 13वें अध्याय में और 14वें अध्याय में। भगवान ने कहा दो प्रकार की तकलीफें आएंगी। पहली क्या है? प्रकृति पुरुष चेतना, मेरे मन की जो गति है वो तकलीफ देती है। और दूसरी तकलीफ है प्रकृति के 3 गुण। 13वें अध्याय का नाम है प्रकृति पुरुष चेतना गुण। प्रकृति पुरुष चेतना ये अंदर से दुख देती है, प्रकृति के 3 गुण बाहर से दुख देते हैं, व्यक्ति को भक्त बनने नहीं देते। इसीलिए 13वें अध्याय के 26वें श्लोक में भगवान वर्णन कर रहे हैं अंदर से कैसे दुख आता है। कहते हैं उपद्रष्टानुमंता च भरता भोक्ता महेश्वरम परमात्मेति चापि युक्ता देहो आत्मनिम पुरुषम परम। उपद्रष्टा, मैं कौन हूं? उपद्रष्टा मतलब सब कुछ देखने वाला, ऊपर बैठ करके उपद्रष्टा। अनुमंता, मेरी अनुमति के बिना इस संसार में न शिव जी कुछ कर सकते हैं, न दुर्गा कुछ कर सकती हैं, न कोई कुछ कर सकता है। मैं कौन हूँ? अनुमंता च भर्ता, सबके जीवन में हर चीज देने वाला भर्ता, पति हूँ उनका, और भोक्ता, हर चीज भोगने वाला हूँ। कौन हूँ? महेश्वर। पहले भी भगवान ने भोक्ता महेश्वर इस्तेमाल किया, कौन से श्लोक में? 5वें अध्याय के 29वें श्लोक में, और यहाँ 13वें अध्याय के 26वें श्लोक में फिर से भगवान क्या कह रहे हैं? उपद्रष्टा अनुमंता च भरता भोक्ता महेश, फिर से महेश्वर बोल रहे पुनः पुनः। परमात्मेति च अपि उतः देव आत्मनिम पुरुषम परम। जो व्यक्ति ये समझ जाता है कि मैं पुरुष परम हूं, उसके अंदर के ताप समाप्त हो जाते हैं, अंदर से परेशान नहीं होगा, समझ जाएगा ये जो परमात्मा है ये वही है जो अंदर बैठ के क्या करते हैं? उपद्रष्टा। लोग घर में सीसीटीवी लगाते, दुकान में लगाते होते हैं, पीछे बैठ के देखते हैं चोरी करी लड़के ने थोड़ी सी भी 10 रुपए की, शाम को बोलते हैं बेटा हमने देख लिया आज 10 रुपए चुराए, हमें सब दिखाई देता है। अब बच्चे को अगर पता चल जाए जैसे काम करना है दुकान पे, वो क्या करेगा? चोरी करेगा। उसको क्या पता है अंदर कौन बैठा है? उपद्रष्टा, अंदर कोई देखने वाला बैठा है। ऐसे ही जब शरीर को पता चल जाए यहाँ कौन बैठे हैं? परमात्मे पी चापी, अंदर बैठे कौन? उपद्रष्टा। तो क्या करेगा? चोरी करेगा, गंदे काम करेगा, प्याज लहसुन खाएगा, मांस खाएगा, शराब पिएगा, झूठ बोलेगा। अच्छा यही तो बैठे। सीसीटीवी का एक एड आता है, ऊपर वाला सब कुछ देखता है, तो ऊपर वाला सब कुछ देखता है, वो यहां से उठाया उपद्रष्टा। अच्छा कुछ भी करने की इच्छा हो पूरी कौन करता है? अनुमंता। भगवान ने कहा मैं कौन हूं? अनुमंता, अनुमति देने वाला। कई बार होता है प्रभु जी चाहते हैं बच्चे भक्त बन जाए, बहुत प्रयास किया, संस्कार दिए, हमारे घर में रामायण का पाठ होता था, गीता पाठ और भागवत महाभारत, हमारी मम्मी बहुत बड़ी भक्त थी, हमारे पिताजी ऐसे 4 धाम यात्री थे, वो यात्रा करते चले गए, वो भक्त बन के चले गए, हमारे बच्चों में संस्कार किया, क्या हो गया? तकलीफ कहाँ रह गई? भगवान की अनुमति नहीं है। क्यों? क्योंकि आपने वो नहीं किया जो कृष्ण चाहते थे। जब कृष्ण चाहते हैं वो करोगे तो अनुमति मिलेगी। आपका बच्चा 3 साल का है, रोड पर ट्रक चल रहे हैं, वो कहता है मुझे उस पार जाना है, जाने देंगे? क्यों? क्या कमी है? आप माता पिता हैं, लेकिन पड़ोस में खड़ा दूसरा बच्चा 3 साल का, उससे पूछेंगे मैं जाऊं तो क्या बोले? क्योंकि वो माता पिता। इसलिए भगवान कहते हैं कुछ चीजों की अनुमति मैं देता हूँ, कुछ की मैं नहीं देता हूँ, क्योंकि मैं कौन हूँ? उपद्रष्टा अनुमंता, ऊपर बैठ के देख रहा हूँ, अंदर बैठ के देख रहा हूँ क्या करने लिए योग्य है क्या नहीं। कई बार हमें लगता है मैंने इतना प्रयास किया, प्रभु जी बहुत मेहनत करी बिजनेस सेटअप करने की, कभी 10 लाख का नुकसान, कभी 20 लाख का नुकसान, क्यों होता है? कृष्ण अनुमति नहीं देना। इस बात को जो समझ जाएगा वो दुखी रहेगा, सुखी हो जाएगा। कहला ठाकुर जी ऐसी तुम्हारी मर्जी, हमें तुम्हारी मर्जी में ही अपनी मर्जी मिला दी है। जहां तुम कहोगे वही मैं रहूंगा,
जहाँ तुम रहोगे वहीं मैं रहूँगा, जहाँ तुम कहोगे वहीं मैं चलूँगा, जहाँ तुम कहोगे वहीं मैं चलूँगा। जहाँ तुम कहोगे वहीं मैं चलूँगा, जहाँ तुम रखोगे वहीं मैं रहूँगा, जो दोगे वो मुझे स्वीकार। जब ऐसी स्थिति आती है तब व्यक्ति को आनंद का अनुभव होता है। प्रकृति पुरुष चेतना में परिवर्तन कॉन्शियसनेस, इसलिए हमारी सोसाइटी का नाम है इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्णा कॉन्शियसनेस, चेतना पे काम करना है। दूसरा व्यवधान 14वें अध्याय में भगवान ने कहा प्रकृति के तीन गुण आपको मेरे शरण में आने नहीं देंगे, वो खींचेंगे। 14वें अध्याय के 5वें श्लोक में भगवान कहते हैं कौन कौन से तीन गुण है, सत्वम रजत्वम इति गुणा प्रकृति संभवा निवधानन्ति महाबाहो देह देहिनाम अभयम्। निवधन्ति महाबाहो, हे महाबाहो अर्जुन, देह देहिनम अभ्यम, ये देही तीन प्रकार के गुणों के संसर्ग में भूल जाती है कि वो कौन है। अच्छा आपसे प्रश्न पूछते हैं, बारिश की बूंद जब ऊपर से आती है और आकर के मिट्टी में गिरती है तो पहले गंदी होती है या बाद में गंदी होती है? ऊपर से आती है तो कैसी होती है? नीचे मिट्टी में मिलती तो क्या बनती है? कीचड़। वही बूंद पानी की बदल गई, क्यों? ऊपर वो शुद्ध चेतना में थी लेकिन नीचे आकर तीन गुणों के संग में उसकी प्रकृति बदल गई। तीन प्रकार से बदलती, कौन कौन से गुणों का संग है? सत्वम रजस्तम इति गुणा प्रकृति संभव। प्रकृति में तीन गुण है, सत्वगुण रजोगुण। अगर आप भगवान का नाम जप नहीं करते हैं, भगवान की गीता चलती है पालम में आपके बुधवार को, आप अपने घर में पराठे खा के खराटे मारते हैं तो आप प्रकृति के तीसरे गुण तमोगुण से रोगग्रस्त हैं। इसमें मुझे कहने में कोई संशय नहीं है, क्योंकि अगर बुरा लग गया तो नहीं आएंगे, तो वैसे भी तो नहीं आ रहे हैं। अच्छा लग गया तो हो सकता है आप चले आए कथा सुनने के लिए। प्रकृति का तीसरा गुण तमोगुण से आप रोगग्रस्त हैं। अगर आप आते तो हैं लेकिन वहां आने के बाद में इंतजार करते हैं कि क्या क्या कमियां निकालूं इस प्रोग्राम में, मंदिर में ना लाइट ठीक नहीं है, प्रभु जी को बोलना नहीं आता, इनको तमीज नहीं आता, कुछ भी आप सोचते हैं तो आप किससे रोगग्रस्त हैं? रजोगुण से रोगग्रस्त हैं। और आप आते हैं और कहते हैं मुझे किसी से कोई मतलब नहीं, कोई कुछ भी बोले हमें तो क्या है, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम राम राम, ऐसा सोचते हैं तो आप कौन से गुण में हैं? आदमी बोलता है ना, प्रभु जी हमसे क्या हो गया, हमारी बेटी को इतना दुख है, हमारे घर में इतना दुख है, हमारे घर में देखो साथ में पढ़ते थे वो इतना बड़ा बिजनेसमैन बन गया, मैं पीछे रह गया, या मैं बड़ा बन गया वो नीचे रह गया। ये दोनों ही भावना गलत है। भगवान कहते हैं कारणम गुण संगो अस्त्यो सद असद योनि जन्म सु, जैसे जैसे गुणों का संग करते हो वैसी योनि प्राप्त होती है। आज तमोगुण में हो सकता है धन की कमी ना हो, बहुत धन होगा आपके पास में, लेकिन आप तमोगुणी है क्योंकि आप कथा को आदर नहीं करते, आप कृष्ण के भक्त को आदर नहीं करते हैं, आप भगवान को आदर नहीं करते हैं। भगवान के बोलो बोलते नहीं नहीं हम तो बड़ा आदर करते हैं हमारे मन में, जी मन की नहीं है। यहाँ क्या बोला, जो मैं बोलूं वो करो, यद करोषि यद अशनासी यद जहोषि ददासी यद यद तपस्वेति कौन तुए तत् कुरुषु मदत। जब तक ये नहीं भक्त नहीं है, चाहे वो कितना बड़ा अपने आप को अलंकृत करे, जी हमारे तो कार्ड छपते हैं पूरे वर्ल्ड में, हमें सब जानते हैं, कुछ नहीं। भगवान ने सारा यहाँ पर एक्सरे रिपोर्ट निकाल के रख दिया है, ये पूरी भगवद गीता हमारी एक्सरे रिपोर्ट है कि हम हैं कौन, अभी किस लेवल के भक्त हैं। तो भगवान कहते हैं सत्वम रजस्वम तमोगुण रजोगुण और सत्वगुण में हम बंध जाते हैं, इन तीनों गुणों को पार कर पाना बड़ा मुश्किल है, और इन्हीं गुणों के कारण अगला अगला जन्म होता है। जैसा करोगे संग वैसा बनेगा
अन्न जैसा खाओगे अन्न वैसा बनेगा। खा पी के सतोगुणी खाना, बाद में गुटखा मुंह में डाल लेते हैं सोते सोते, तो कौन सा गुण हो गया? तमोगुण। खा के पी के सिगरेट लगा ली मुंह में, कौन सा गुण हो गया? तमोगुण। प्याज लहसुन मुंह में डाल लिया, कौन सा गुण हो गया? अरे इस शरीर के अंदर परमात्मा उपद्रष्टा बैठा है, उसको क्या खिला रहे हो? प्याज। प्याज खाते भगवान? भगवान ने गीता में कहा पत्रम पुष्पम फलम त्वयम यो मे भक्त्या प्रियच्छति, मुझे ये चार चीजें चाहिए। अगर भगवान को खाना होता तो बोलते अंडम लहसम प्याजम मांसम। भगवान ने अंडम लहसम प्याजम मांसम नहीं कहा, पत्रम पुष्पम फलम त्वयम यो मे भक्त्या, भक्ति से जो मुझे देगा। तो देंगे कि नहीं आप भक्ति से भगवान को? मेरी बात समझ में आ रही है या बुरी लग रही है? बंद कर दें, चार अध्याय और रह गए तो पूरा कर लेते हैं। तो चौदहवें अध्याय में भगवान ने बताया तीन प्रकार के गुणों के संसर्ग में अर्जुन हम भगवान की भक्ति नहीं कर पाते हैं, इसलिए क्या करो? पंद्रहवें अध्याय में भगवान ने कहा पूर्ण रूपेण अपने आप को समर्पित करो, और वो क्या है? पुरुषोत्तम। पुरुषोत्तम योग मतलब भक्तों का, पुरुषों में जो उत्तम है उनका संग करो, उनसे जुड़ो। तो पुरुषों में उत्तम कौन है? कृष्ण और कृष्ण के भक्त। भगवान कहते हैं हो सकता है आप एक बार को मेरा अनादर करें, मुझे स्वीकृत है, परंतु मेरे भक्त का अनादर स्वीकृत नहीं है। इसीलिए वो कहते हैं कि पुरुषोत्तम योग में ये संसार उल्टे पेड़ के समान, जैसा उल्टा पेड़। अब उल्टा पेड़ कैसा है? जैसे एक पेड़ खड़ा है और उसकी परछाई पानी में पड़ रही है। तो एक बार क्या हुआ, एक रानी थी, उसका 9 लख हार एक पक्षी लेकर उड़ गया, और जब उड़ा तो उड़ करके उसने एक जगह पर छोड़ दिया। रानी ने ऐलान करवाया जो मेरा हार ढूंढ के लाएगा उसको क्या करूंगी? 10 लाख रुपए का इनाम दूंगी। और सारे आदमी पूछने लगे रानी का हार ढूंढो। ढूंढा ढूंढा ढूंढा, एक गरीब व्यक्ति था, उसको साधु ने देखा, वो कीचड़ में लथपथ लगा पड़ा है, ये। तो उससे पूछा भाई क्या कर रहे हो कीचड़ में? कहा जी रानी का हार मिल तो गया है, बस पकड़ में नहीं आ रहा। हाँ मिल गया, पकड़ में नहीं आ रहा। बोले यहाँ चमकता है मैं हाथ मारता हूँ तो गायब हो जाता है, फिर चमकता है मैं हाथ मारता हूँ गायब हो जाता है। तो साधु ने कहा कि यहाँ नहीं है, कहाँ है? पेड़ पर है, ऊपर है। ऐसे ही संसार में हम सुख की कामना से कीचड़ जैसे संसार में हाथ मारते हैं, बस बेटे की शादी हो जाए, उसके बाद तीर्थ हो जाए, स्नान हो जाए अपना गंगा स्नान, फिर आती बहुत पता चलता कितना गंगा स्नान हो रहा है, फिर सारे गंगा स्नान निकल जाते हैं। तो इसी तरह से है कि कोई गंगा स्नान नहीं होने वाला, ये दुखाले हम संसार में दुखों के घर में किसी को गंगा स्नान। ये संसार नकली है, ऊपर असली है। सुख यहाँ नहीं है, सुख वहां है। यहाँ रहो फिर भी नजर ऊपर को रखो कि वहां जाना है मुझको। एक बार एक कुत्ता था, वो रोटी लेकर के भागा, और रोटी लेकर के भाग रहा था तो देखा उसने नदी के किनारे एक और कुत्ता है परछाई में, उसके मुंह में भी रोटी है। अब इसको अपनी रोटी से मतलब नहीं है, कुत्ते की रोटी परछाई में क्या होता, कभी कभी हम नहीं देखा ऐसे बड़े हो जाते हैं, अपनी हाइट 5 फुट और 7.5 फुट की परछाई होती है। तो उसने कहा कुत्ते की रोटी बड़ी है परछाई में। कहा अरे इसके तो भाग्य निराले हैं, एक कुत्ते के पास बड़ी रोटी, मेरे पास छोटी, शक्ति तो मेरे पास ज्यादा है, ये तो काला पतला दुबला सा है, अभी निपटा दूंगा। तो क्या कहा? दे दे। और नीचे वाला ये हूं करता, वो भी हूं, और उसकी गर्दन भी घूमे परछाई थी। थोड़ी देर बाद बोला नहीं मानेगा, और नहीं मानेगा तो क्या हुआ? सबसे रोटी गिर गई। हम भी यही करते हैं, दूसरों से अपनी परछाई से लड़ाई करते 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 इस नकली संसार से कंपेयर करते हैं, वो ऐसा वो ऐसा। अरे कोई कैसा नहीं, सबको 1 रुपया आपको कोई एक्स्ट्रा दे नहीं सकता, और 1 रुपया आपका कोई छीन नहीं सकता। जो जो मेरे भाग्य में है वो मुझको मिलने वाला है। जब जब जो जो होना है तब तब सो तो होता है। कुंती महारानी पांडवों से कहा हे पांडव गणों, आप लोग इतने बलशाली हैं, 10,000 हाथी का बल तो अकेला लेके घूम रहा हमारा भी। युधिष्ठिर महाराज धर्मराज यमराज बनकर नीचे घूम रहे हैं निर्णय लेते हुए। अर्जुन के पास इतनी शक्ति है कि चिड़िया की आंख में तीर मार देता है। नकुल सहदेव औषधि विज्ञान के इतने एक्सपर्ट हैं, तो फिर हमें दुख क्यों? दुर्योधन से अधिक शक्ति नहीं है क्या?
तो कुंती महारानी महाभारत में श्लोक कहती है, क्या कहती है, भाग्यम फलतम सर्वत्र न च विद्या न च पौरुषम। भाग्यम फलत सर्वत्र, क्या फल देता है, भाग्य, न च विद्या, न मेरी विद्या फल देगी, न च पौरुषम, ना ही मेरी शक्ति काम में आने वाली है। और भाग्य का परिवर्तन कैसे होता है, गहनो कर्मणा गति, आज पढ़ाया है कर्म की गति गहरी है, जैसे कर्म किए होंगे वैसा भाग्य मिलता है, लेकिन परिवर्तन करने की शक्ति कृष्ण कहते हैं अगर है किसी के साथ तो। अच्छा एक बात बताइए, आपसे पूछते हैं, एक इंजीनियर ने गाड़ी बनाई और उसमें पांचवा गियर लगाना भूल गया, तो अब लगा कौन सकता है, हम लोग नहीं लगा सकते। तो कृष्ण कहते हैं मैंने ही तो तुम्हारा भाग्य रचा तुम्हारे कर्मों के अनुसार, अगर बदलने की शक्ति भी है तो किसके पास है। प्रभुपाद कहते थे जो भौतिक है, जो कृष्ण भक्त नहीं है, वो अपने भाग्य के गुलाम है, जो लिखा है वो ही मिलेगा। अभी तो घूम रहे नशे में, गाड़ियों में पैसा बहुत है, पल लगता है, पल फैक्ट्री में आग लग जाए, एक्सीडेंट हो जाए, क्या पता भाग्य में क्या लिखा है, कितने दिन का सुख लिखा है। और जब जाता है ना आदमी विलाप करता है, बहुत दुखी दुखी में रोता है, लेकिन पल भर में ये माया ठगनी शक्ति सब कुछ छीन लेता है। इसलिए समझदार व्यक्ति जानता है ये जो दिख रहा है ये स्वप्नगत है, कहता है सपने के जैसा है। सपने में कभी कभी होता है ना, आज मैं राजा बन गया, बिगुल बज रहा और ना मेरे को वो पहनाया जा रहा मुकुट, और मैं बड़ा खुश हूं ऐसे बैठा है ना, और थोड़ी देर बाद मैं रण क्षेत्र में जा रहा हूँ और सामने तलवार वाला आया लड़ाई करना, मैं भी शक्तिशाली योद्धा हूँ, तलवार लगी खून निकल रहा है और पसीने आ रहे हैं मुंह के ऊपर और मैं लड़ रहा हूँ, हाथ पर उठ भी नहीं रहे, और थोड़ी देर बाद कोई उठा जा, हरी बोल हरी बोल, हाथ खोती है, मैं तो अपने बेड पे लेटा हुआ। तो राजा कौन था, राज्य कहाँ था, तलवार कहाँ थी, मारने वाले कौन थे, सपना। ऐसे ही ये जो जितना भी दिखाई दे रहा है, ये मेरी पत्नी है, ये मेरे बच्चे हैं, ये मेरा पैसा है, ये मेरी दुकान है, ये क्या है, सपनवत, जग सब सपना है कोई नहीं अपना है, ये जग सपना है, लेकिन फिर भी लोग मानते हैं, सुन के जाएंगे, सुनते भी रहते हैं, थोड़ा थोड़ा स्वीकृत भी करते हैं, फिर मन से कहते हैं है तो पर छोड़ेंगे। छूटता है भक्तों के संग में, जब आप हर बुधवार को ये सुनेंगे ना तो छूट जाए, सुनते रहेंगे सुनते रहेंगे। सीता जी अशोक वाटिका में बैठी थी, लेकिन वाटिका में कैसे बैठी थी, शोक में बैठी थी, शोक में बैठ करके, अशोक वाटिका नाम है अशोक, कोई शोक नहीं, लेकिन बैठी कहती है शोक, ऐसा तो अजीब ही हो गया। तो हनुमान जी ने सोचा इतने बड़े भक्त है कि सशोक से अशोक करने का एक ही तरीका है, क्या क्या है, भगवान का कथा सुनो, सुनता है जो कथा चली जाती है जीवन की व्यथा। हनुमान जी ने तुरंत मौका ढूंढकर राम के गुणों का वर्णन करना शुरू किया। गोसाई जी रामचरितमानस में कहते हैं रामचंद्र गुण वर्णन लागा सुनत सीता कर दुख भागा। जैसे ही राम का गुण सुना तुरंत सीता का दुख भाग गया। आप लोग अपने अपने दुख को लेकर घर में बैठे रहते हैं, ये नहीं चल करके जाके थोड़ी कथा सुन ले, और कथा भी किससे सुने, परंपरागत जो जीवन की जीने की कला सिखाए। ऐसी कथाएं आस्था चैनल लगा के बैठे रहते हैं, वो महाराज जी इधर की उधर ठोकते रहते हैं, उधर की इधर ठोकते रहते हैं, उसका कोई पता ही नहीं है। मैं क्या करूंगा उसको सुन करके, उस कथा से जिससे मेरा जीवन ही परिवर्तित ना हो, इतनी इतनी कथा सुन करके भी टेंशन। आस्था चल रहा तब तक तो सुन रहे हैं, जब बंद हो गया तो सारी आस्था चली जाती है, वही लहसुन प्याज, वही सिगरेट शराब, वही टेंशन लड़ाई झगड़े। अगर ये सच में कथा आएगी तो क्या होता है, जीवन की टेंशन। सीता मैया ने थोड़ा सा सुना राम के बारे में, 9 महीने से दुख में बैठी थी, है ना, वैसे ही क्या हुआ, राम गुण वर्णन लागा सुनत सीता कर दुख भागा, सारे दुख भाग गए। और आकर के हनुमान ने रामचंद्र जी को बताया सीता जी बड़ी दुखी है, क्या हुआ, सीता दुखी क्यों है, कहा क्योंकि प्रभु बड़ी विपत्ति में,
कौन सी विपत्ति में रावण के पास, अगर रावण तो उनको छू भी नहीं सकता है, उसने अल्टीमेटम दिया एक महीने में आऊंगा तुम्हें उठाने के लिए, तो फिर क्या विपत्ति है? तो कहते हैं, कहे हनुमंत विपत्ति प्रभु सोई, जा दिन सुमिरन ना भजन ना होई। हनुमान ने कहा सबसे बड़ी विपत्ति संसार की क्या है, जिस दिन भजन। लेकिन बिजनेसमैन से पूछो, कहता है यार जिस दिन गल्ला थोड़ा कम में बंद हो जाए ना, वो विपत्ति है। कोई विपत्ति नहीं है, आज कम कल ज्यादा, कल कम परसों ज्यादा, ये चलता रहेगा। लेकिन सबसे बड़ी विपत्ति क्या है, बड़े बड़े टेंशन से रिलीज करने की शक्ति है भगवान के पास। इसलिए प्रभुपाद कहते थे जो व्यक्ति संसार का कृष्ण भक्त नहीं है वो अपने भाग्य का गुलाम है, लेकिन जो व्यक्ति कृष्ण भक्त है वो अपने भाग्य का रचयिता, अपने भाग्य का रचयिता। अगर कोई चाहे कि चलो इस जीवन में तो दुख है, अगले में अब दुख नहीं चाहिए प्रभु, तो क्या करना है, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 राम। भगवान ने कहा 15वें अध्याय के इस पुरुषोत्तम योग में 20वें श्लोक में कहते हैं, इति गुह्यतम शास्त्रमं इदम उत्तमं मया अनघ, एतद् बुद्ध्वा बुद्धिमाना स्यात् कृतकृत्य च भारत। हे भारत, जो बुद्धिमान होंगे वही इस पुरुषोत्तम योग को, जो आज यहाँ आने के बाद भी जप नहीं करता है, इस कथा को सुनने के बाद भी कहता है कृष्ण वृष्ण सब बराबर होते हैं, वो आदमी की जिह्वा भगवान काट लेंगे। क्यों? क्योंकि कहते एतद् बुद्ध्वा बुद्धिमान, बुद्धिमान व्यक्ति जो होगा वो कृष्ण शरणागत के अलावा छोड़ देगा सब कुछ का, केवलम इकला प्रभु कृष्णा, बस कृष्ण शरणम मम, मैं कृष्ण की शरण में आ गया। लेकिन नहीं, जिसकी बुद्धि अभी परिपक्व नहीं है वो क्या करेगा, इस ज्ञान को बहुत छोटा ज्ञान समझ के त्याग देगा, कहेगा अपना तो वही जीवन बढ़िया है, हमने नहीं चाहिए ज्ञान। तो 16वें अध्याय को जल्दी बढ़ाते हैं क्योंकि समय कम। भगवान कहते हैं देवी तथा आसुरी स्वभाव, 16वें अध्याय का नाम है। वो कहते हैं जब व्यक्ति का विश्वास भक्त और कृष्ण में आ जाता है तब उसकी दो प्रकार के लोग होते हैं जिनके अंदर विश्वास है, एक देवता होते हैं एक असुरी होते हैं। असुरों में भी देव बड़ी शक्ति है, रावण में बड़ा विश्वास था शिवजी मेरी रक्षा करेंगे, ओम नमः शिवाय जय बाबा भोलेनाथ, क्या हुआ, मारा गया कि नहीं। वो चीज जो रावण को 10 सर कटाने पे मिली थी, विभीषण को खाली सर झुकाने पे मिल गई। 10 सर क्या कटाए, एक सर काट के शिवजी पे चढ़ाया, 10 सर कट के चढ़ाए, शिवजी कहते हैं लास्ट में तेरे को मारना पड़ा, बचा नहीं पाए शिवजी। क्यों नहीं बचाया, बोले अभी तो जो सबको बचाने वाला है उसी से पंगा ले लिया तो मैं क्या करूं। और विभीषण ने खाली आके कृष्ण राम की शरणागति करी थी। आचार्य कहते हैं जो रावण ने 10 सर कटाने पर प्राप्त किया लंका, उसी लंका का राजा खाली सर झुकाने पे भगवान ने विभीषण को बना दिया। तो क्या अच्छा, 10 सर कटाओगे कि 10 खाली सर झुकाओगे? झुका दो। झुकाता वो नहीं है जिसकी अहंकार की पगड़ी भारी है, हम नहीं झुकाएंगे, हम क्या गलत है, हमने 30 साल में जो किया वो गलत था क्या, ए महाराज यह बोल दिया 2 मिनट में तो क्या हम इनकी बात मान ले, है, है, है? अरे भैया है क्या कह रहे हो, झुक जाओ यहाँ पर, कोई नहीं झुकना और कुछ नहीं करना, भगवान के आगे झुकना। इसीलिए भगवान कहते हैं दो प्रकार की चेतना है, 16वें अध्याय के 16वें श्लोक में कहते हैं, अनेक चित्त विभ्रंता मोह जाल समावृत प्रसक्ताम काम भोगेशु पतन्ति नरके आशुचौ। जो व्यक्ति प्रसक्त काम भोगेशु अपने काम वासनाओं में युक्त रहेगा, पतन्ति नरके आशुचौ, इसमें सोचने वाली बात नहीं है, कहाँ गिरेगा, पतन्ति नरक, भोग इंजॉय करता रहेगा। अजी हम तो खाने पीने में विश्वास रखते हैं, हम नहीं घास फूस खा सकते, मांस खाओ मजे करो, कल क्या होगा किसको पता, अभी जिंदगी का ले लो मजा, वो मजा बाद में निकलता है, हाँ नीचे जाता है, काटा जाता है तब दुख होता है। बहुत ऐसे उदाहरण है IBN 7 चैनल पे, इसे बहुत सारी सत्य घटनाएं हैं जहां मृत लोगों ने बताया है कि उन्होंने गलत किया इसलिए उनके साथ क्या हुआ। पुनर्जन्म की हजारों कथाएं हैं जहां पे लोग कह रहे हैं
पिछले जन्म में जो किया आज हमें उसको भुगतना। वो बच्चा जिसने आज जन्म लिया है उसकी एक आंख फूटी हुई है, क्या गलती करी? लोग कहते हैं यहाँ के कर्म का यही फल मिलता है। उसने कौन सा कर्म किया? पिछले जन्म क्या कर्म किया? शरणागत नहीं किया। अनेक चित्त विभ्रंता, सबको बराबर माना, सारे बोला सारे भगवान बराबर होते हैं। मोह जाल समावृत, और मोह जाल के अंदर फंसा रहा। प्रसक्त काम भोगेशु, और अपनी कामनाओं से इच्छाओं से देवी देवताओं की पूजा करता रहा। अंत में क्या हुआ? पतंति नरके आशचो, सोचने वाली बात नहीं है, वो नरक में ही गिरेगा। क्यों? देवी देवता की पूजा करने से नरक में गिरते नहीं, काम इच्छाओं के लिए किया इसलिए नरक में गिरा, काम वासनाओं के लिए किया। सिद्धि देही धनम देही बलम देही ओ दुर्गे, क्या दे? सिद्धि देही धनम देही पतिम देही सुंदरिम देही, सब कुछ देही देही है। वहां पे सब चला जाता, अंतकाल में आत्मा यही रह जाते, शरीर यही छूट जाता, पत्नी भी यही, सब कुछ यही छूट, सुंदरता भी यही, सब छूट जाता। भगवान कहते हैं अर्जुन दो प्रकार के असुरों का विश्वास है, अगर कोई इसे समझ जाएगा कि श्रद्धा के कारण ये दो प्रकार के विभाग बनते हैं। श्रद्धा पहली चीज है, श्रद्धा, श्रद्धा के कारण तीन प्रकार के गुण उठते हैं, रजोगुण सतोगुण और तमोगुण। जो व्यक्ति मंदिर के लिए दान देता है उसमें भी तीन प्रकार के लोग होते हैं। एक व्यक्ति मंदिर के लिए दान देता है, कहता है जी ये मंदिर हमने बनवाया, हमारा मंदिर है जी, है उसमें दान नहीं देगा भगवान को, सेवा नहीं कर, लेकिन हमारा शब्द उसको कहां ले गया, कौन सा गुण? तमोगुण, तमोगुण अहंकार है। रजोगुण, रजोगुण कहता है कि देखो जी हमें ना, हम चाहते नहीं कि लोग जाने कि हमारा मंदिर है, हम नहीं चाहते कि लोग जाने कि हमारा, हमने बनवाया, ये ईट हमने लगवाई है, ये पंखे हमने लगवाए, ये हमारा, ये रजोगुण है। सत्वगुण क्या है? ये हाथ दे लेकिन इस हाथ को पता ना चले। तो तीन प्रकार के भगवान ने 17वें अध्याय में तीन तीन प्रकार के गुणों से हर चीज को बताया। खाने के तीन गुण, पीने के तीन गुण, यज्ञ के तीन गुण, दान के तीन गुण, तपस्या के तीन गुण, सोने के तीन गुण, हर चीज को तीन गुणों में भागा कि जो जो श्रद्धा के अनुसार जिस जिस गुण का संग करेगा वैसा वैसा फल पाएगा। श्रद्धा के विभाग, अलग अलग प्रकार की श्रद्धा होती है, इसीलिए हमको क्या करना है? सतोगुणी भोजन करें, सतोगुणी दान करें। जो लोग काली पूजा में दान देते हैं वो कौन से हैं? तमोगुणी। जो भोलेनाथ की पूजा में दान देते हैं वो कौन है? जो कृष्ण पूजा में दान देते हैं। इस प्रकार से ये हम नहीं कह रहे, गीता के श्रद्धा के विभाग अध्याय में भगवान कृष्ण ने अर्जुन को तीन गुणों में विभाजित किया। शमशान की भी सिद्धि होती है, शमशान सिद्धि, तपस्या, भूत प्रेत तमोगुणी पूजा है, देवी देवताओं की पूजा रजोगुणी पूजा है, कृष्ण भक्ति सतोगुणी पूजा है। तो सतोगुणी पूजा जो करता है कृष्ण उससे अधिक प्रसन्न होते हैं। और भगवान कहते हैं अगर कोई अपनी श्रद्धा को मेरे चरणों में स्ट्रांग बनाता है तो उसको क्या प्राप्त होती है? संन्यास की सिद्धि, संसार से उसको वैराग उत्पन्न होता है। और फिर वो क्या करता है? 18वें अध्याय के 66वें श्लोक में कृष्ण कहते हैं वो कैसा हो जाता है? सर्वधर्मान परित्याजम मामेकं शरणं व्रजः अहं त्वं सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। सारे धर्मों को छोड़कर माम एकम, मेरी एक की शरण में वो आ जाता है। मैं क्या करता हूँ? उसके समस्त पापों को, इस संसार के नहीं, पुनः पुनः पिछले जीवन के जितने पाप हैं उनको भी क्या करता हूँ? मोक्षयिष्यामि, सबको छुड़ा देता हूँ। अर्जुन ने जब ये ज्ञान सुना तो भगवान उससे कहते हैं अर्जुन तुमने सब कुछ सुना, अब इसको आगे भी लोगों को सुनाना। 18वें अध्याय के 68वें और 69वें श्लोक में भगवान कहते हैं जो इस ज्ञान का प्रचार करता है, दूसरे लोगों को मंदिर निर्माण की सेवा में लगाता है, सही मायने में इस संसार में उससे अधिक ना तो कोई प्रिय हुआ है ना होगा, जो मेरा इस ज्ञान का प्रचार करता है। यही बात सुन करके मैं फुल टाइम डिवोटी बन गया था कि प्रचार करने से हम भगवान के प्रिय बन सकते हैं।
तो आप गीता का जो ज्ञान सुनते हैं उसको दूसरों को सुनाने से आप भगवान के करीब नहीं। भगवान 18वें अध्याय के 70वें श्लोक में कहते हैं, जो व्यक्ति इस संवाद का श्रवण करता है वो बुद्धि से मेरी पूजा करता है। कृष्ण कैसे पूजा करें, कृष्ण ने कहा बताया पूजा करें, कृष्ण ने कहा जप यज्ञ करो और साथ में इस संवाद का रोज अध्ययन करो या श्रवण करो तो बुद्धि से मेरी पूजा करोगे, ठीक है। और फिर जब भगवान ने सब कुछ बता दिया तो जबरदस्ती नहीं करी कि भक्त बनो, भगवान ने कहा 18 तुम्हें स्टेप बता दिए संन्यास तक पहुंचने के, उपसंहार संन्यास की सिद्धि। लेकिन अगर तुम सन्यासी बनकर मेरे पास नहीं आना चाहते, सन्यासी का मतलब वो नहीं डंडा लेकर घर बार छोड़ के, सन्यासी का भाव कि सब कुछ कृष्ण का है, मैं तो उनका सेवक हूँ। तुम स्वामी हम सेवक, कृपा करो धरता, जया जगदीश हरे, जया जगदीश हरे। तुम स्वामी हम सेवक, कृपा करो भरता, क्या जया जगदीश हरे, जया जगदीश हरे, ओ जया जगदीश हरे। तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा, जया जगदीश हरे, जया जगदीश हरे, स्वामी जया जगदीश हरे। तेरा तुझको, हमारा मंदिर बन रहा है द्वारका, आप सबको उनका उनको देना, इसीलिए हमारे मंदिर का सेक्टर 13 में खोला कि 13 तुझको अर्पण सेक्टर 13 में कर दूंगा। सेक्टर 13 में द्वारका में कौन मंदिर है हम वहां पर हैं और वहां से हर बुधवार को आते हैं। अरुण जी का मंदिर है, राधा कृष्ण मंदिर, हम नाम ले रहे हैं लेकिन प्रभु जी के अंदर कोई अहंकार नहीं है, बिल्कुल सत्वगुणी सेवक है, पिंकी माता जी है और ये दोनों लोग बहुत ही प्रेम पूर्वक सेवा में लगे हैं, हमारे लिए सभी व्यवस्था बनाई है, लाइट है, पानी है, टॉयलेट है। आप वहाँ आइए फ्री ऑफ कॉस्ट, हर बुधवार 4 बजे गीता का ज्ञान मिलता है, 4 बजे मिलता है और साथ में मुफ्त माताएं प्रसाद भी बना के लाती हैं जो आपको मिलेगा। तो आप में से कितने लोग हैं जो आना चाहते हैं उस ज्ञान में? आप तो हर बार हाथ खड़ा करते हो, आते नहीं हो, अब आओगे? ठीक है, आएंगे। कितने लोग आएंगे बुधवार को 4 बजे? ठीक है, हम इंतजार करेंगे। फोटो खींच गया आप सबका, तो भगवान देखेंगे कौन कौन सच बोल रहा है। भगवान ने अर्जुन को कहा, अब अर्जुन ध्यान से सुनिए, अंतिम 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 पड़ाव इस कथा का। भगवान ने कहा तुम्हें जो मन करे यथा इच्छति तथा करो, मैंने सब कुछ बता दिया है, गुह्यतम परम गुह्यम ज्ञान दिया है, अब तुम्हारा जो मन करे वो करो। तो 18वें अध्याय के 73वें श्लोक में अर्जुन कहता है, अंतिम उसका श्लोक है, क्या कहता है? नष्टो मोह स्मृति लब्धा तत्प्रसादात्मय अच्युता, स्थितोऽस्मि गता संदेहा करिष्ये वचनं त्वम्। हे कृष्ण, मेरा नष्ट मोह, मेरा मोह नष्ट हो गया है, स्मृति लब्धा, वापिस बुद्धि आ गई है, क्या गलत कर रहा हूँ क्या सही कर रहा हूँ, तत्प्रसादात्मय अच्युता, आपका प्रसाद ही अब मैं स्वीकार करूंगा, स्थितोऽस्मि, मैं अपनी वापिस स्थिति में आ गया हूँ, गतः संदेह, सारे संदेह चले गए हैं, और करूंगा क्या, करिष्ये वचनम त्वम, तुम्हारे वचनों को पूरा करूंगा। तब ये जब बात संजय सुन लेते हैं तो भगवद गीता का अंतिम श्लोक बोलते हैं, क्या? यत्र योगेश्वर कृष्ण यत्र पार्थो धनुर्धरा तत्र श्री विजय भूति ध्रुवानी तिर्मतिर महा। संजय देखकर कहते हैं अब मैं जान गया हूँ, अभी युद्ध शुरू नहीं हुआ है, युद्ध में विजय किसकी होगी? अर्जुन की। क्यों? यत्र योगेश्वर कृष्ण, जहाँ कृष्ण है, जहाँ भक्त हैं अर्जुन जैसे, वहाँ श्री है, धन भी आता है,
वहां विजय भी आती है, ये बात निश्चित है, निश्चित है, निश्चित है। और अंतिम एक चीज बता दो, भगवद गीता का पहला श्लोक है क्या, धृतराष्ट्र ने बोला, क्या बोला, धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समावेता युद्धवा मामतः पांडवश्चैव किम अकुर्वतः संजय। तो पहला शब्द क्या है, धर्म, और अंतिम शब्द क्या है, यत्र योगेश्वर कृष्ण यत्र पार्थो धनुर्धरा तत्र श्री विजय भूति ध्रुव नीतिर मतिर ममः। तो भगवान कहते हैं अगर कोई व्यक्ति ज्ञानी होगा तो पूरी भगवद गीता का सार क्या है, धर्म क्या है, मम, मैं हूं धर्म, मैं क्या हूं धर्म। अगर कोई कृष्ण भक्ति नहीं करता तो वो अधार्मिक कहलाएगा, बाद में हमको मत कहिएगा प्रभु जी हमारी मृत्यु नजदीक आ गई, हम हॉस्पिटल में, आपने हमें धर्म बताया नहीं। कृष्ण कहते हैं मम धर्म, मैं ही धर्म हूं। हरे कृष्ण।